तो बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। टीम इंडिया के दिग्गज बल्लेबाज श्रेयस अय्यर की फिटनेस को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आई है। एशिया कप 2023 और वर्ल्ड कप 2023 से पहले टीम इंडिया के लिए खुशखबरी है, क्योंकि श्रेयस अय्यर ने एनसीए में नेट पर प्रैक्टिस शुरू कर दी है और टीम इंडिया के लिए बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि माना यह जा रहा था कि एशिया कप 2023 और वर्ल्ड कप 2023 मिस कर सकते हैं श्रेयस अय्यर। इनको बैक इंजरी है जो कि वो रिहैब कर रहे हैं, लेकिन एशिया कप 2023 और वर्ल्ड कप 2023 तक फिट नहीं हो पाएंगे। लेकिन अब जो लेटेस्ट अपडेट आई है, खबर यह है कि श्रेयस अय्यर ने नेट में प्रैक्टिस शुरू कर दी है एनसीए में और वो वर्ल्ड कप 2023 और एशिया कप 2023 से पहले फिट हो सकते हैं। अगर बात करें श्रेयस अय्यर की, तो श्रेयस अय्यर टीम इंडिया के एक दिग्गज बल्लेबाज हैं और मौजूदा समय में टीम इंडिया में श्रेयस अय्यर से बेहतर स्पिन गेंदबाजी कोई भी बल्लेबाज नहीं खेलता है। जिस तरीके से श्रेयस अय्यर स्पिन गेंदबाज को खेलते हैं, चाहे वो क्वालिटी स्पिनर हो चाहे वो पार्ट टाइम स्पिनर हो, श्रेयस अय्यर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हैं, लंबे लंबे छक्के लगाते हैं, स्पिन जो गेंदबाज होते हैं उन पर अटैक करते हैं। तो चार नंबर पर टीम इंडिया के सबसे धाकड़ अगर कोई बल्लेबाज है तो वो श्रेयस अय्यर हैं। और बड़ी खबर है इस वक्त की कि श्रेयस अय्यर ने एनसीए में नेट प्रैक्टिस शुरू कर दी है और अगर श्रेयस अय्यर वर्ल्ड कप 2023 और एशिया कप 2023 से पहले फिट हो जाते हैं तो जो टीम इंडिया की चार नंबर की टेंशन है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी, क्योंकि श्रेयस अय्यर धाकड़ और दिग्गज बल्लेबाज हैं और चार नंबर पर वो जबरदस्त खेलते भी हैं। उन्होंने इससे पहले भी अपने आप को साबित करके दिखाया है चार नंबर पर, और एक क्वालिटी स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलते हैं, स्पिन गेंदबाज को बहुत अच्छा खेलते हैं, लंबे लंबे छक्के लगाते हैं। तो श्रेयस अय्यर अगर फिट हो जाते हैं वर्ल्ड कप 2023 से पहले, एशिया कप 2023 से पहले, तो टीम इंडिया के लिए एक बड़ी खुशखबरी हो सकती है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।